हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू द व्लॉग अगेन। तो आज ये मेरा व्लॉग है जो थोड़ा सा स्पेशल है। थोड़ा सा स्पेशल क्यों है, क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं आईफोन 11 की अनबॉक्सिंग। यस, जो मैंने कल ही परचेज़ किया था, तो मैंने सोचा कि उसे खोलेंगे और आपके सामने ही दिखाएंगे आपको कि कैसा है। थोड़ा मैंने उसे यूज़ भी हल्का किया और देखा, क्योंकि जो भी क्लाउड से सिंक वगैरह सब कुछ था वो करना था तो मैंने किया, बट फिर मैंने उसे रख दिया बिकॉज मैं ये सब आपके साथ शेयर करना चाहती थी। चलिए स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग आईफोन 11। सो ताला, दिस इज द फोन। और जो भी स्टोर में हुआ, जो भी जैसा था, वो सब मैं आपसे शेयर करूँगी। सो दिस इज माय आईफोन 11 फोन। मैं एक्चुअली ज़्यादातर फ़ोन जो है चेंज नहीं करती हूँ, जब तक वो ख़राब नहीं हो जाता अच्छे से, जब तक कुछ नहीं हो जाता उसे, मैं तब तक जो है फ़ोन को अच्छे से यूज़ करती हूँ। बट दिस वॉज माई नेसेसिटी बिकॉज ब्लॉग बनाने में थोड़ा इशू हो रहा था, तो चलो वो बात मैं आपसे बाद में करती हूँ। सबसे पहले हम अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अभी मैंने इसका पॉलीथीन वॉलीथिन कुछ नहीं उतारा है। सो ताड़ा, दिस इज़ द फोन। ये फ़ोन है, अभी मैंने इसका कोई पॉलीथीन वगैरह कुछ नहीं उतारा है, तो मैं उतारूंगी बाद में बिकॉज पहले मैं इसे टेम्पर्ड लगवाऊंगी। तो जब भी मैं कोई नया फ़ोन लेती हूँ, सबसे पहले इसका पॉलीथीन उसी के सामने उतारती हूँ और उसे टेम्पर्ड लगवाती हूँ। सो फ़ोन मैंने ब्लैक लिया है, तो ब्लैक का रीज़न मैं आपको बताती हूँ, ब्लैक का रीज़न क्या है। तो ब्लैक का रीज़न एक्चुअली ये है कि एज़ मैं ज़्यादा कलर्स में बिलीव नहीं करती कि नहीं मुझे ये कलर्स चाहिए, कलर चाहिए, वो चाहिए, तो जब मैं स्टोर में गई तो मुझे उनके पास अवेलेबल था येलो कलर का। सो येलो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं था, येलो कलर वॉज नॉट लुकिंग गुड विद दिस कलर आईफोन का, जो पूरा जो आगे से दिखता। तो ठीक है, वो बात होगी येलो कलर की। फिर मैं दूसरे स्टोर में गई, उनके पास सारे कलर्स अवेलेबल थे, बट कलर्स चाहे कोई भी हो, अंत में आना तो यहाँ पे कवर ही है, ठीक है। तो इसलिए मैंने कलर को जो है ज़्यादा मैंने इतना फोकस नहीं किया कलर पे। और दूसरी बात ब्लैक कलर लेने की ये थी कि मैंने वैसे ही, अब बार्गेनिंग करना तो लड़कियों का हक होता है, तो मैंने उनसे बार्गेनिंग की कि मुझे जो है थोड़ा कम कर दो इसमें, यार आईफोन में कुछ डिस्काउंट आपके पास होता हो। तो उन्होंने ये था 59,900 का, एंड ये 128 GB लिया है मैंने, दैट्स वाई ये अप्रॉक्स 60,000 का पड़ा मुझे। तो इसीलिए ये कॉस्टली है। तो अगर आप इससे कम में लेते हो, लाइक 64 GB लेते हो, तो वो आपको तकरीबन पड़ेगा आई गेस 50 का पड़ेगा आपको। एंड ये HDFC का मेरे पास क्रेडिट कार्ड था, तो इस वजह से मुझे कुछ ऑफर चला हुआ है उस पर आईफोन पे, तो मुझे उससे कैशबैक भी मिल गया। तो विद इन 48 days आई गेस, विद इन 120, ओके, विद इन 120 days में मुझे वो कैशबैक मिल जाएगा। तो 5,000 वो लेस हो गए, तो ये मुझे पड़ा 55,000 का। तो ब्लैक कलर मैंने क्यों लिया, उसका दूसरा रीज़न ये था कि मुझे इस पर 900 लेस मिल गया, तो 59,900 का था, तो ये 59,000 का मुझे पड़ा। क्योंकि और कलर उन्होंने बोला कि वो पूरे प्राइस पे मिलेंगे बिकॉज दैट कलर्स आर इन डिमांड। सो मैंने कहा मुझे कलर का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज बाद में मुझे इस पर कवर ही चढ़ाना है, तो मुझे कलर से कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए मैंने ब्लैक कलर ले लिया। तो कवर चढ़ जाएगा तो कलर का तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। तो मुझे 900 लेस में मिल गया, ठीक है, इट्स ओके। सो इतने देने पर भी अगर 900 कम हो जाते तो वो भी बहुत बड़ी बात है। सो दिस इज़ माई न्यू फ़ोन फॉर द व्लॉग, स्पेशली फॉर द व्लॉग। तो मेरा दूसरा फ़ोन ख़राब नहीं हुआ था, बट व्लॉग के लिए मुझे लेना था, क्योंकि कुछ लोगों ने कमेंट किया था मेरी वीडियोज़ में कि सबसे ज़्यादा वॉइस का इशू होता था, क्योंकि घर पे बैठे तो आप वॉइस को कंट्रोल कर सकते हो, पीछे के बैकग्राउंड को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन जब आप बाहर जाते हो तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, और एक वीडियो क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। सो ये तो हो गई आईफोन 11 की बात, तो और भी बातें करेंगे। और मैं आपको दिखा देती हूँ इसका एक्सेसरी बॉक्स। तो आईफोन 7 भी यूज़ किया हुआ है मैंने, एंड आईफोन जो दूसरा मेरा आईफोन है वो है आईफोन 11, 7 से सीधा 11। तो जो एक फ़र्क ये लगा कि ये है उसका बॉक्स, तो इसमें थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई है। वो क्या कि हमें जो है पुराने जब आईफोन आते हैं जो, तो उसमें आपको चार्जर भी मिलेगा, दैट कनेक्टर, दैट प्लग,
आपको वायर भी मिलेगी प्लस आपको ईयरफोन्स भी मिलेंगे। बट जैसे जैसे फ़ोन महंगे हो रहे हैं तो लोग एक्सेसरीज देना भी एप्पल वाले कम कर रहे हैं, तो वो मुझे सिर्फ इसके साथ मुझे सिर्फ ये एक इसकी चार्जिंग केबल मिली है, ना ही मुझे इसका अडेप्टर मिला है, ना ही इसमें हमें ईयरफोन मिले हैं। और दूसरी बात ये कि इसमें जो आपकी कनेक्टिविटी होगी अडेप्टर के साथ, दिस इज़ नॉट अ यूएसबी केबल, दिस इज़ अ सी टाइप केबल, ओके। तो आप इसे नॉर्मल अडेप्टर जो आपके एंड्रॉयड के अडेप्टर होंगे या पुराने आईफोन के जो अडेप्टर हो गए, आप वो यूज़ नहीं कर सकते हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो यहाँ पे आई है मुझे, मतलब ठीक है डिसअपॉइंटमेंट हुई है कि यार इतना महंगा फ़ोन ले रहे हैं तो कुछ तो दो साथ में, मतलब सब कुछ ही छीन लिए हो। तो इसके साथ जो है सी टाइप अडेप्टर भी मैंने लिया, तो वो अडेप्टर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये मैंने उसके साथ अडेप्टर लिया, ये मुझे 800 समथिंग का वो उसी स्टोर से मैंने ये अडेप्टर लिया है। तो ये अडेप्टर भी मैं आपको एक बारी दिखा देती हूँ। ये रहा अडेप्टर, तो इसमें जो है सी टाइप कनेक्टिविटी भी है कि आप सी टाइप की केबल लगा सकते हो और यहाँ पे आप यूएसबी केबल भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ये भी आपको लेना ही पड़ेगा उसके साथ। और ईयरफोन, और हाँ जो पुराना फ़ोन आता था उसमें कनेक्टर भी मिलता था एक, ठीक है, कि आप आईफोन का जो जैक है वो ऐसे वाला कुछ होता था, तो आईफोन का जैक अलग होता है, तो आप नॉर्मल जो पिन वाली केबल है वो नहीं डाल सकते हो, तो उसके साथ एक कनेक्टर भी मिलता था, लेकिन इसमें कनेक्टर भी नहीं मिल रहा है। लेकिन मेरे पास पुराना कनेक्टर पड़ा था तो ठीक है, वो मैं उसमें यूज़ कर लूँगी। तो जिनके पास अभी आईफोन जो यूज़ करेंगे और ये वाला लेंगे, तो उनको ये वाले जो एक्सेसरीज हैं बॉक्स में जो मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ब्लैक कलर जो मैंने लिया है, और उसके साथ मैंने एक ये कवर भी लिया था, तो पीछे का जो उसका एक ग्रीन कवर कलर जैसा आता था, ओशियन कलर आई गेस, तो वो था, मैंने एक ओशियन ये ले लिया। अब अगर मैं इसको इस पर लगा दूंगी तो दैट विल बी ओशियन कलर, वो ये कलर हो जाएगा। तो आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ गर्ल कि मुझे नहीं, आई वॉन्ट दिस स्पेसिफिक कलर और ये वो। जब ये लग जाएगा पूरा प्रोटेक्शन के लिए आपको ये लगाना ही पड़ेगा, तो ठीक है, उसके साथ कोई कलर का कोई मतलब नहीं रहा। एंड दूसरी चीज़ कि अगर मैंने को ये लगाना है और इस पर यहाँ पे कोई और कलर होगा बैकग्राउंड में, तो वो भी इसके साथ गर्ल वाली बात हो जाती कि वो उसके साथ मैच नहीं करेगा, तो ये ब्लैक सबके साथ मैच करेगा। सो दिस इज द न्यू आईफोन। तो बाकी जो भी मुझे एक्सेसरी मिली, जो भी मिला, तो वो मैंने आपको इस फ़ोन के अकॉर्डिंग मैंने आपको सब बता दिया है। दैट कवर, दैट लेस 900 rupees बिकॉज आई चूज ब्लैक, एंड अडाप्टर, जो भी ये अडाप्टर है ये आपको लेना पड़ेगा, और केबल उसके साथ सी टाइप वाली मिलेगी। तो ठीक है, अगर आपके पास केबल दूसरी, और मेरी ना एक केबल जो ओरिजिनल थी आईफोन की वो ख़राब हो गई थी, तो ठीक है, मेरे को जो दूसरा आईफोन जो मेरा पुराना पड़ा वो चार्ज करने के लिए भी मेरे को ठीक है मिल गया एक। तो ये हो गई आईफोन अनबॉक्सिंग, ओके। तो अब चलते हैं फीचर्स की तरफ कि आईफोन 7 को यूज़ करने में क्या डिफरेंस है, एंड आईफोन 11 को यूज़ करने में क्या डिफरेंस है, एंड आईफोन 12 भी मैंने वहाँ पर देखा था, तो उसमें क्या था, थोड़ा सा कैमरे का फर्क था, थोड़ा सा, नॉट ज़्यादा। तो दैट्स वाई आईफोन 12 11 आई गेस इन डिमांड। तो बात करते हैं इसकी, तो जो मैंने यूज़ किया आईफोन 7, तो उसका आई गेस iOS 7 या 8 था, तो अब इसका जो है वो है iOS आई गेस 11 या 12 ऐसे ही है, ठीक है। तो और स्पेस इशू भी था, नहीं तो मैं वो वाला यूज़ कर लेती, लेकिन वो स्पेस इशू था, वो मैंने फर्स्ट टाइम लिया था, तो वो मैंने 3 साल आई गेस पहले लिया था, तो वो था 32 GB का, तो मेमोरी इशू काफ़ी ज़्यादा था और बैटरी इशू भी बहुत ज़्यादा था। तो काफ़ी ज़्यादा सोचने के बाद मैंने ये लिया। एक्चुअली व्लॉग्स बनाने के लिए मैं जो है गोप्रो पे भी मेरा थोड़ा जा रहा था, लेकिन मैंने, और वो इससे हाफ प्राइस पे था, तो मैंने GoPro क्यों नहीं लिया, मैंने GoPro इसलिए नहीं लिया बिकॉज एक तो वो ज़्यादा ट्रैवलिंग उसमें यूज़ होता है, और ज़्यादातर लोग GoPro बिल्कुल छोटा होता है प्लस वाटर रेजिस्टेंट होता है, तो
इसीलिए भी लेते हैं प्लस. लेकिन उसमें ये था कि मैं जूम का थोड़ा इशू है, बट गोप्रो अच्छा है, ये नहीं कि गोप्रो अच्छा नहीं है, गोप्रो ऑब्वियसली बहुत अच्छा है, बट थोड़े बहुत फीचर्स ऐसे थे तो इसलिए मैंने डबल ऑफ द अमाउंट लगाना थोड़ा सही समझा, क्योंकि उसमें मैं जूम नहीं कर सकती थी, इसमें मैं जूम कर सकती थी कर सकती हूँ. प्लस गोप्रो ज़्यादा होते लोग हेलमेट में यूज़ करते हैं व्हेन दे ट्रैवल, ओके, तो वो माउंटिंग जो है उसकी वो बहुत अच्छे से हो जाती है. और बट जो आईफोन 11 है, जो आईफोन ये है, ये मैं रात को यूज़ कर सकती हूँ, उसकी क्लैरिटी सही है, बट मैं गोप्रो रात में यूज़ नहीं कर सकती, और मैं कुछ जूम करके जो है कुछ वो भी नहीं मैं कर सकती हूँ. तो बहुत सारी चीज़ें थी सोचने के बाद आई, देन मैंने ये डिसाइड किया. ठीक है, और आते हैं अगर आप कंपैरिजन पे, तो जो स्क्रीन है इसकी वो फुल स्क्रीन है, ओके, कॉर्नर्स इसके आप देख रहे हो, ये पूरा फुल स्क्रीन है. और जो आईफोन 7 में था वो तब फुल स्क्रीन नहीं था, वो यहाँ पे उसका आईफोन का यहाँ से ब्लैक था, यहाँ से ब्लैक था, मतलब बीच उसकी जो स्क्रीन थी वो मिडल में थी, और ये पूरा कवर करता है. और दूसरी चीज़ ये है, थोड़ा सा ये है कि आईफोन 7 छोटा था तो वो थोड़ा हल्का था, ये थोड़ा हैवी है, ये 196 कुछ ऐसे ही इसका कुछ ग्राम्स में वेट है इसका, तो थोड़ा सा ये हाँ हैवी लग रहा है यूज़ करने में, बट इट्स ओके, पैसे ज़्यादा हैं तो भैया चीज़ भी भारी होगी तो. और दूसरी चीज़ ये आती है कि मेमोरी, हाँ मेमोरी, मैंने मेमोरी को लेके ही थोड़ा कंसर्न था, क्योंकि एक बारी मैं अपने i7 से वीडियो बना रही थी और वो बीच में मेमोरी फुल हो गई एंड वो वीडियो मैं कंप्लीट नहीं कर पाई. तो ये 128 GB एंड 128 GB इज़ इनफ फॉर मी. अब बुलेट पॉइंट्स पे आते हैं. मेन तो है स्टोरेज, बिकॉज स्टोरेज जो मेरे दूसरे वाले फ़ोन की थी वो बहुत ही ज़्यादा कम थी, 32 GB थी, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी इशू थी. तो वीडियोज़ उससे भी बहुत अच्छी बन रही थी, बट बिकॉज ऑफ स्टोरेज इशू, तो क्योंकि उसमें जो स्पेस होता है वो ऐप्स का स्पेस भी होता है, और बाकी जो बचा हुआ होता है वो आप यूज़ करते हो, और तो इसीलिए स्पेस वॉज द मेजर इशू. एंड द सेकेंड वन इज़ रैम. ऑब्वियसली रैम का इतना फ़र्क नहीं, बिकॉज आईफोन हैंग नहीं होता है, आईफोन नहीं हैंग होता है, और जो जो आप फर्स्ट डे उसे लेते हो, जो उसका टच होता है, जो आप फर्स्ट डे से लेते हो ना, लास्ट डे आपका वो टच बिल्कुल वैसा ही रहेगा. ठीक है, तो प्रोसेसर है, ठीक है, प्रोसेसर भी मैटर यहाँ पे करता है थोड़ा बहुत, बट मेजर जो था वो मेरा स्पेस का इशू था. बट प्रोसेसर ऑब्वियसली अगर हम कंपैरिजन पे आए तो प्रोसेसर भी अच्छा है. द फोर्थ पॉइंट इज स्क्रीन उसकी. स्क्रीन जैसे मैंने आपको बताया, स्क्रीन जो है उसकी छोटी सी थी, इसकी स्क्रीन जो है वो पूरी कवर कर रही है, तो वो भी एक बात होती है. और जो इसका मैं टैम्पर लगाऊंगी वो पूरा कवर करके, बिकॉज फ़ोन जब गिरता है तो वो सबसे पहले कोनों से हिट होता है, तो इसको मैं पूरा का पूरा गार्ड लगाऊंगी ताकि स्क्रीन जो है इसकी बिल्कुल ठीक रहे. एट लास्ट पैसे, वो जो है अभी जब मैंने लिया था तब दैट वाज 45,000 rupees, उसमें भी मुझे कुछ कार्ड यूज़ करके मुझे 5,000 का कैशबैक मिला था. तो अब वो जो आईफोन 7 का रेट है वो है 26,000 या 27,000 है, तो ऑब्वियसली अभी ये नया नया आया है तो कॉस्ट तो इसकी भी ज़्यादा होगी, और जितने आप लगाओगे तो वीडियो क्लैरिटी भी आपको उतनी ही मिलेगी. और हाँ, कैमरा में डिफरेंस है, जब आईफोन से आईफोन 11 से आईफोन 12 में थोड़ा सा फ़र्क है, तो आईफोन 7 से आईफोन 11 में भी फ़र्क तो हो गई, तो वो कैमरा का फ़र्क है, बट इट्स ओके, ठीक है. बट एक शुरुआत के लिए मुझे एक मेरी नेसेसिटी थी, आई वॉज़ कन्फ्यूज इन GoPro एंड i11, सो दैट वॉज माई डिसीजन, सो वो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी. तो एक और पॉइंट मैं आपको ज़रूरी है जो मैं इसके बारे में बताना भूल गई, वो ये है कि सिम के बारे में, कि आईफोन 10 तक आप एक ही सिम यूज़ कर सकते थे आईफोन में, तो वो जो है प्रॉब्लम थी, क्योंकि अब जो फ़ोन्स आ रहे थे एंड्रॉयड के तो वो ड्यूअल सिम आ रहे थे, तो आप उसे मतलब एक और दूसरा सिम उसमें यूज़ कर सकते थे. लेकिन आईफोन 11 में आप जो है वो ड्यूअल सिम है, आप यूज़ कर सकते हो दो सिम, तो एक सिम तो आप इसमें फिजिकली डाल सकते हो कि आपने सिम निकाला और इसमें डाल दिया, जो दूसरा सिम है वो आप ई सिम यूज़ कर सकते हो. उसके लिए आपको क्या करना होगा कि जो आपकी वो सिम है, जिस कंपनी की वो सिम है, तो आपको उसके स्टोर पर जाना पड़ेगा, और उससे, ये अभी मैंने नहीं करवाया है,
तो उससे आपको क्या करना है, उस वेंडर के पास जाना पड़ेगा और वहां से आपको जो भी उसका प्रोसीजर है आपको वो करवाना पड़ेगा। तो आपको वो सिम फिजिकली नहीं डालना है, वो एज अ ई सिम कुछ होता है, तो वो उससे जो है आप दूसरा जो है सिम इस पे आप यूज कर सकते हो। तो ये एक और मेजर पॉइंट था इसमें बताने का। तो मेरी अनबॉक्सिंग हो गई है आप लोगों के साथ, मेरे फीचर्स और जो कंपैरिजन मैंने आपको अपने पहले वाले फ़ोन में और इस फोन में बताया, आई गेस वो भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। प्लस गोप्रो ले वीडियोस के लिए या फिर आईफोन 11 ले, वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। वो दैट ऑन द बेसिस ऑफ व्लॉग्स जो भी आप बनाते हो, तो अब आप डिफरेंस कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो वेदर यू वॉन्ट टू गो फॉर गोप्रो और आईफोन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और हाँ, अगर सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम, अगर आप कोई भी सजेशन और देना चाहते हो, आपको कुछ अच्छा भी नहीं लगता है, तो वो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, बिकॉज आपके सजेशन की वजह से जो है वीडियोज़ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होती है। तो उसे ये लगता है कि आपको क्या अच्छा लगा है और आपको क्या अच्छा नहीं लगा है। तो स्टे ट्यून्ड विद जायका 365 और अपकमिंग ब्लॉग्स में मैं आपको मिलूंगी। और डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल विच इज जायका 365 एंड स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।